लवली व्यूअर्स, जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, आप सब लोगों के पास बढ़िया चल रहे होंगे। मैंने सोचा रोज रोज मीठा खा खा के हो गए होंगे आप लोग बोर, तो मैं आज बनाती हूँ व्रत का फलाहारी, बहुत ही टेस्टी नमकीन ढोकला। ये देखिए कितना टेस्टी और कितना यम्मी बना, ये बनाया है मैंने मोरधन से था। चलिए हेमा की रसोई में चलते हैं और बनाते हैं मोरधन का ढोकला। ढोकला बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, व्रत का ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है ये समा के चावल है, ये 200 ग्राम चावल लिए मैंने, और थोड़ा सा मैंने लिया है 2 चम्मच साबूदाना। ये देखिए साबूदाने को मैंने रात को गला दिया था और इसको भी मैंने गला दिया था करीब 4 घंटे पहले, तो इसको हम सबसे पहले पीस लेते हैं। देखिए ये मैंने पीस लिया, ये बहुत बारीक नहीं होता है, ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा रबीला जैसा रहता है, जैसा सूजी होती है ना ऐसा रबीला रहता है। इसको मैंने पीस के निकाल लिया है और अब मैं साबूदाने का पानी निकाल के साबूदाने को भी पीस लेती हूँ। ये देखिए ये देखिए हमारा साबूदाना भी अच्छे से पिस गया है, अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। देखिए देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा सा घोल हो गया ना, अभी कितना पतला था अच्छा गाढ़ा घोल हो गया है। अब इसी स्टेज पे मैं मिक्स कर दूंगी इसमें 1 कटोरी पूरा दही, देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं व्रत का सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, देखिए है ना 1/2 चम्मच इसमें नमक काफी है। गैस पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी जिससे कि हमारा जो पानी है वो थोड़ा सा स्टीम हो जाए, गर्म हो जाए, तो इससे बहुत ही बढ़िया से ढोकले बनने वाले हैं। देखिए अब हमारा ये सब हो गया है। एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि आप तैयारी पहले से पूरी कर लें, क्योंकि हम अगर जब सोडा डालेंगे ना तो सोडा डालने के बाद इसमें रेस्ट नहीं करा सकते ज्यादा देर तक, इसलिए ये देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें मैं अच्छे से मूंगफली का ऑयल लगा देती हूँ चारों तरफ से अच्छे से। ये देखिए अच्छे से हम चारों तरफ से ऑयल अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए लगा दिया मैंने। अब मैं डाल रही हूँ इस स्टेज पे 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा। ये देखिए है ना, ये डाल देती हूँ मैं इसमें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मेरा मटेरियल एकदम रेडी हो गया है, सोडा इसमें डाल दिया है और इसकी ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है जैसे हम और ढोकला बनाते हैं ना, और ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए इसको ऐसे टैप कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि जितनी एयर होगी वो एकदम बराबर हो जाएगी, थोड़ा सा मटेरियल और डल जाएगा इसमें। ये देखिए और हम इस पे गैस पे इसको रख देंगे। ये देखिए मैंने एक स्टैंड रखा है गैस पे और मैंने पानी को पहले ही स्टीम कर लिया था जिससे कि हमारा ढोकला जो है वो बहुत ही अच्छा सा बन जाए। ये देखिए ये मैंने ढक दिया इसको, ये करीब ढकना पड़ेगा इसको करीब 12 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि समा के चावल है और साबूदाना है तो अच्छे से इसको पकना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एक होल होता है तो इसमें हम ऐसे कपड़ा लगा देंगे जिससे कि हमारी स्टीम ना निकले। अब हम इसको देखेंगे 15 मिनट बाद। ये देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा ढोकला बना है कि नहीं बना है। तो मैं इसमें एक सिंपल चक्कू ये डाल के देख रही हूँ बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि सेंटर का अक्सर नहीं होता है। ये देखिए एकदम थोड़ा सा अभी इसमें बाकी है, इसका मतलब अभी नहीं हुआ है, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए और रख देती हूँ फिर ये हो जाएगा। ये देखिए चाकू हमारा एकदम क्लीन निकला, इसका मतलब ये बन गया है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, इसको इधर रख देती हूँ और मैं करती हूँ अपने तड़के की तैयारी। मैंने पैन को चढ़ा दिया है और ऑयल डालती हूँ इसमें जब तक ऑयल हमारा गर्म होता है। ये देखिए हमारा पैन गर्म हो गया है, ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं हरी मिर्च लंबी लंबी कटी हुई। ये देखिए थोड़ा सा इनको हम तड़कने देते हैं अच्छे से, और अगर आप व्रत में मीठा नीम खाते हैं तो आप मीठा नीम भी डाल सकते हैं। ये देखिए मीठा नीम भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया और ये अच्छे से क्रेक हो गया। बस इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी ज्यादा नहीं, और मैं डाल दूंगी अपने 2 किलो पे। ये देखिए एक निकाल के दिखाती हूँ आपको, वाह वाह कितना अच्छा बना। देखिए ये देखिए मैंने एक पीस निकाला इसमें, देखिए कितने टेस्टी और कितने यम्मी बने, दिख रहा है आपको जाली एकदम कितनी जाली है और कितने अच्छे है। तो अब मैं सारा तड़का इसके ऊपर डाल दूंगी और मैं करती हूँ फटाफट से अपनी प्लेटिंग। तो तैयार है हमारा व्रत का स्पेशल ढोकला। देखिए कितना टेस्टी और कितना यम्मी बना, देख रहे हैं स्पॉन्जी इसकी कितनी अच्छी स्पॉन्जी है। तो आप भी व्रत में ढोकला बनाइए, खाइए और ढोकले का आनंद लीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। कल हम फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ, लेकिन इसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल हेमा की रसोई को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। बाय बाय।